या पूरे जनपद में धान खरीद की क्या व्यवस्था चल रही है? धान खरीद की आज जो खरीद हो रही है 28 और 29 तारीख को ऑफलाइन खरीद हो रही है, ऑफलाइन टोकन से खरीद हो रही है। इसका व्यवस्था ये किया गया है कि 24 तारीख को ऑनलाइन व्यवस्था लागू की गई थी, किंतु शासन के ये संज्ञान में आया कि केंद्रों पर काफ़ी मात्रा में किसानों का धान डंप है और उनके पास ऑनलाइन टोकन नहीं हो पाए हैं और 28-29 को बारिश की संभावना है, तो शासन का ये निर्देश हुआ कि ऑनलाइन टोकन की व्यवस्था समाप्त करके केंद्रों पर जो धान किसानों का पड़ा हुआ है उसकी शीघ्रता से तौल कराया जाए और दो दिन बाद पुनः ऑनलाइन टोकन की व्यवस्था लागू कर दी जाए। 28 और 29 का टोकन मिला तो उसका क्या होगा फिर? जब शासन ने खुद ही रद्द कर दिया है तो उनका आज कोई टोकन नहीं है, और जो केंद्रों पे धान पड़ा हुआ है उसको तोलवाने की प्राथमिकता है कि मौसम से किसानों का धान भीग के खराब ना हो पाए। मतलब और कोई नई खरीदारी, नया टोकन जारी नहीं होगा जो पुराना? जिन केंद्रों पर ऑनलाइन टोकन नहीं है या ऑफलाइन टोकन नहीं है, केंद्रों पर भीड़ नहीं है, जैसे मंडी के अलावा और देहात के क्षेत्रों में केंद्रों पर ना ऑफलाइन टोकन है ना ऑनलाइन टोकन है, तो जो भी किसान वहाँ ऑफलाइन टोकन या ऑनलाइन टोकन का पहले का पहुँचेगा उनकी खरीद हो जाएगी। यह समस्या खास तौर से मंडी पे है या जिन केंद्रों पर धान डंप है, पहले से पड़ा हुआ था, किसी भी कारण से तौल नहीं हो पाई थी, उसके लिए व्यवस्था की गई है कि किसान का धान भीग के ख़राब ना हो, उनका तौल हो जाए। आज यहाँ कुछ किसान हंगामा भी कर रहे थे हाईवे जाम की। अब ये थोड़ी सी अव्यवस्था हुई है कि जो किसानों को पता नहीं था कि टोकन रद्द हो गया है, वो धान लेके आ गए थे और मंडी में ऑलरेडी धान पड़ा हुआ था, तो इसके लिए थोड़ा सा उनके मन में आक्रोश था जो स्वाभाविक था। उनको समझाया गया है कि मंडी के धान ये हो जाता है जो अंदर पड़ा हुआ है तो फिर उनको प्राथमिकता दी जाएगी, लेकिन उनको ये अनुरोध कर दिया गया है कि अगर कल तक नहीं होता है तो 30 को ऑनलाइन टोकन निकलेगा, उसको निकलवा लें, ले आके अपना विक्रय कर लें।